दो भाइयों गॉडज़िला एक्स कॉन्ग जिस मूवी को लेकर बहुत से लोग बहुत तरीके से थ्योरी बना रहे थे, फाइनली वो मूवी रिलीज हो गई है। सबसे पहले तो मैंने भी इस मूवी से बहुत उम्मीद लगाई थी, मगर मेरे उम्मीदों पे इन लोगों ने बड़े ही प्यार से मूत दिया। मैंने भी सोच रखा था कि इस मूवी में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, मगर हुआ उसका ठीक उल्टा। कहानी से शुरू करें तो अपना कॉन्ग होलो अर्थ पे बड़े आराम से अपना जीवन बिता रहा है, वही मौज मस्ती मनाता है, अंटिल वो अपने दांत में नमक वाला टूथपेस्ट ना इस्तेमाल करने से उसका एक दांत सड़ जाता है। फिर वो होलो अर्थ से सरफेस पे आता है, अपना दांत ठीक कराता है और वापस से होलो अर्थ चला जाता है। वही दूसरी तरफ गॉडज़िला भी अपनी हरकतों में आ जाता है। सभी को पता है गॉडज़िला जब मूव करता है उसका मतलब है कुछ बुरा होने वाला है, और उसी बुराई को रोकने के लिए गॉडज़िला भी अपनी तैयारी शुरू कर देता है। वो दूसरे टाइटंस को मारता है और उनकी रेडिएशन पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरह एक टाइटन का रेडिएशन कलर पिंक था, एंड जब गॉडज़िला उसे इनहेरिट करता है तो उसकी भी कलर पिंक हो जाती है, वही जो हमने ट्रेलर में देखा था। और उसके तीसरे तरफ एक आदिवासी लड़की जिसके दिमाग में भी कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन आनी शुरू हो जाती है, वो अजीब अजीब ड्रॉइंग बनाने लगती है, एंड जब साइंटिस्ट लोग उसका एग्जामिन करते हैं तो पता चलता है कि ये सारी परेशानी होल ओवर से आ रही है। तो कुछ लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। सॉरी, कहने का मतलब है कि कुछ लोग उस प्रॉब्लम को समझने के लिए होल ओवर जाते हैं और वहाँ उन्हें और भी कई सारी चीजों का पता चलता है, और इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा, आगे तुम खुद देख लेना। तो सबसे पहले तो मूवी की कहानी बेकार है, बकवास है, कुछ भी खास मुझे इसमें नहीं दिखा। इनफैक्ट मैं ऐसी कहानी बहुत देख चुका हूँ। देखो, मैंने मोनार्क जैसी सीरीज को देख रखा है, और जब आप मोनार्क जैसी अच्छी स्टोरी लाइन वाली सीरीज देख लेते हो ना, तो उसके बाद वाली ऐसे मूवीज की कहानी आपको फीकी फीकी लगती है। जिन लोगों को भी नहीं पता, पिछले साल मोनार्क नाम से एक सीरीज आई थी जो कि इसी मॉन्स्टरवर्स का ही एक स्पिन ऑफ सीरीज था, जिसमें गॉडज़िला को लेकर कई सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी और काफी अच्छी सीरीज भी थी। और जब आप मोनार्क देख लोगे एंड देन इस मूवी पे आओगे ना, तो मोनार्क की कहानी का कोई मतलब नहीं रह जाता। और आजकल की ऑडियंस तो इतनी चूतिया हो चुकी है कि 2 घंटे की मूवी भी बहुत लंबी लगती है। खुद मुझे ही देख लो, मैं अपनी ही वीडियोस में कहता रहता हूँ कि 2 घंटे की मूवी बहुत लंबी हो जाती है। खैर, मगर मेरा कहना है कि अगर आप एक मूवी बना रहे हो तो ठीक से बनाओ ना। अरे, हम थोड़ी कह रहे हैं कि मूवी 2 घंटे से ऊपर बनोगे तो नहीं देखेंगे, और इसी चीज की वजह से स्टोरी आपको उतनी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद एक्शन पे बात करो तो VFX में 10 में से 10 नंबर ले जाओ मुझसे। VFX बढ़िया, धासु, ऑसम, नो कमेंट्स। VFX को लेकर कोई कंजूसी नहीं है, स्टूडियो ने VFX पे बहुत ही अच्छा पैसा फूका है, मगर जो कैरेक्टर आर्क है ना, वो कुछ खास इंप्रेस मुझे नहीं कर पाया। पहले तो बोलते हैं स्कार किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बंदरों का राजा, फलाना ढिमखाना। उसके बाद शीमो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, मगर जब असली मैदान पे आते हैं तो हक देते हैं दोनों। मूवी को देख के मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी दुनिया खतरे में है। जो 2021 वाले गॉडज़िला एक्स कॉन्ग था ना, उसमें कभी कॉन्ग हारता था तो कभी गॉडज़िला। प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल था कि मूवी का एंड क्या होगा, मगर ये वाला तो बस कब शुरू होकर खत्म हो गया पता ही नहीं चला। और जिस एक्शन का मैं वेट कर रहा था वो देखने को मुझे मिला ही नहीं। इससे अच्छा तो गॉडज़िला -1 है जो इंडिया में बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है, वो भी हिंदी में। देखो, इस मूवी का जो सिनेरियो था होलो अर्थ वाला, वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। जैसे कि मैंने बताया, VFX और CGI में बहुत ही अच्छा खासा पैसा फूका गया है, मगर VFX के अलावा इस मूवी में कुछ खास था ही नहीं। और अंदर से मुझे आवाज आया कि ये एक टाइम पास वाली मूवी है और इसमें पैसा फूकना बेवकूफी वाला काम होगा, मगर आप इस मूवी को देखोगे या नहीं वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि इस मूवी का एक्शन ठीक ठाक था, मतलब VFX ठीक ठाक था। एक्शन जो था वो बहुत ही लार्ज स्केल में दिखाना था, मगर इन लोगों ने तो बड़े ही आराम से मूवी को फिनिश कर दिया। वेल, अगर तुमने ये मूवी देख रखी है तो तुम मुझे बताओ कि ये मूवी तुम्हें कैसी लगी, और अगर तुम मेरी बातों से सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी ये जो मूवी है ना, ये हिंदी में भी अवेलेबल है और आप फैमिली के साथ भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। और अभी भी ये मूवी थिएटर में लगी हुई है, तो अगर आप सोच रहे हो जाने का तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और अगर मैं इस मूवी की रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस मूवी को 10 में से 6 नंबर दूंगा। बाकी मैंने जैक गैलनहेल के रोड हाउस मूवी के ऊपर भी बात करी है, उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।